बस पाकिस्तान के ये हमारा क्षेत्र है, यहाँ से बहुजन समाज पार्टी से रोहित चुनाव लड़ रहा है। क्षेत्र है, क्षेत्र में पब्लिक से लोगों से और यहाँ पर जो जनता के बीच आप जाकर कार्य कर रहे हैं, इसमें आपको कितना परसेंट लगता है कि इसलिए चुनौती कर रहा है कि वक्त चुनाव हम यहाँ से चुनाव जीतेंगे और यहाँ से हम उत्तर प्रदेश में सरकार भी बनाएंगे, क्योंकि इस समय माहौल बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में है। सभी को देख लिया, सपा को देख लिया, भाजपा को देख लिया, जिस तरीका से समाजवादी पार्टी में अगर गुंडागर्दी रही है तो भारतीय जनता पार्टी में और देश को बेचने का काम किया गया, प्रदेश को बेचने का काम किया गया, पब्लिक सब जानते हैं। हाँ, मेरा नाम रजनी गौतम, जिला पंचायत सदस्य बटेरा, वार्ड नंबर 6। आप बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी? जी, मैंने चुनाव निर्दलीय लड़ा था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में अपनी आस्था जताते हुए दोबारा से बस बहुजन समाज पार्टी। क्या आप बहुजन समाज पार्टी में टिकट के लिए गई थी या आपने मतलब नहीं, मैं बहुजन समाज पार्टी में 2016-17 से मैं काम कर रही थी, इसके बाद ही मैंने टिकट की मांग करी थी। और इससे पहले मेरे पिताजी बहुजन समाज पार्टी में काफ़ी योगदान दिया है, तो उस नाते भी हमने एक पार्टी से टिकट मांगने की कोशिश करी थी, पर किसी कारण बस कट गया टिकट, सामान्य सीट हो गई थी, तो इस वजह से उनका भी हक बनता है भाई। तो मांग तो सभी लोग कर रहे थे, अब टिकट हुआ किसी और का, तो मुझे लगा कि ये जीत तो सकते नहीं है और सीट खामोखा चली जाएगी। जो आदमी स्थिर नहीं है, दल बदलू किस्म का आदमी है, तो मुझे लगता है कि ये जब हाथों से चीज़ें जा रही हैं, जब जहाँ पे हाथ अधिकार आपके जा रहे हो तो वहाँ पे छीन लेना चाहिए। इसलिए मैंने लड़ा चुना और लोगों का साथ रहा, प्यार रहा। तो फिर आप जो जिला पंचायत का इलेक्शन जीतने के बाद फिर आपने BSU पार्टी ज्वाइन की? जी जी, मैंने फिर उसके बाद ही पार्टी ऊपर से माननीय मिश्रा जी के द्वारा मैंने पार्टी ज्वाइन करी है। और अभी बहुजन समाज पार्टी में मैं हर विधानसभा को देख रही हूँ।